पार्टी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम की तैयारी क्या है, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जलालपुर ब्लॉक अध्यक्ष संदीप वर्मा जी। संदीप वर्मा जी, समाजवादी पार्टी का कल कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा बनाई है आपने? हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे विधानसभा में हर सेक्टरों पर जनसंवाद का कार्यक्रम कल 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन मनाया जाएगा और सभी सेक्टरों में समाजवादी पार्टी मजबूती से अपने किए गए कामों का लोगों के बीच जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार है इसके खिलाफ हम लोग जो भी होगा जो जो कर रहे हैं ये तो ना तो बेरोजगारों को रोजगार दे पाए हैं, 15 लाख की बात की है, ना 15 लाख रुपया दे पाए हैं, तो सारे समाजवादी पार्टी की सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। ये कार्यक्रम जो चल रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कल क्रांति दिवस है, कल ये जनसंवाद कार्यक्रम चलेगा, इसके बाद समाजवादी पार्टी के जितने नौजवान हैं लगातार सड़कों पे आंदोलन करने का काम करेंगे और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप वर्मा जी। संदीप वर्मा जी का कहना है कल 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी पंचायतों में जाकर क्रांति के कार्यक्रम को संबोधित करेगी और केंद्र प्रदेश की जो जनता विरोधी कानून है, योजनाएं हैं, उसको बताने का काम। मैं संदीप वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जलालपुर। दोस्तों, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज़ादी के इस पवित्र दिन पर आपने हमारे कार्यालय में आके हम लोगों का समय दिया। आपके माध्यम से हम टांडा सहित पूरे प्रदेश ने देशवासियों को आज़ादी के इस पवित्र दिवस पर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम प्रत्येक वर्ष आज़ादी का पर्व मनाते हैं, अमर शहीदों को याद करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि पूरे देश में अमर शहीदों को याद करते हुए आज़ादी के उत्सव में देश के सभी बड़े छोटे लोग शामिल हैं। इसके लिए हम आपके माध्यम से सभी देशवासियों का स्वागत भी करना चाहते हैं, उनको आज़ादी पर्व की बधाई भी देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो अमर शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराते समय जो स्वप्न देखा था और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक अच्छा संविधान दिया था, उसकी सुरक्षा संरक्षा उसमें छेड़छाड़ न होने पावे, इसके लिए पूरा देश एकजुट खड़ा रहेगा और किसी भी कीमत पर कितनी भी बड़ी ताकत हो संविधान के साथ छेड़छाड़ की इजाज़त इस देश के लोग नहीं देंगे। मैं इस पवित्र दिवस पर ये भी कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपका आने वाला दिन सुखमय हो और हमेशा आज़ाद भारत में आप स्वतंत्र रूप से चलने फिरने का बोलने का आपको जो हमारा संविधान स्वतंत्रता देता है वो आपको प्राप्त हो। एकदम खड़ा खड़ा पकड़िए, हाँ ये थोड़ा नीचे करिए थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज UP। मैं हूँ जहांगीर आलम, एडिटर इन चीफ।
दोस्तों आप सभी का अपार समर्थन का आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। दर्शकों एवं मित्रों, टीवी 7 न्यूज परिवार आप सभी की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का कार्य कर रहा है। चैनल का उद्देश्य आपको न्याय दिलाना है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।